नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम गुरनंदन सिंह है एंड आई एम फाउंडर ऑफ हेड एंड हार्ट। नमस्कार, मेरा नाम राजविंदर कौर है, मैं को फाउंडर हूँ हेड एंड हार्ट से। नमस्कार, मेरा नाम महक है। और मेरा नाम चहक है। शार्क्स, वी आर द सिंह फैमिली। आज हम यहाँ पर 50 लाख के अगेंस्ट 5% स्टेक्स का ऑफर आपके सामने लेके आए हैं। शार्क्स, मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत साइंटिफिक मैजिक दिखाने वाला हूँ। आर यू रेडी? यस सर। महक, चहक। I would request Vinita ji, please come and blindfold Mahek and Chahak. There's a blindfold there. Okay. इनको गायब तो नहीं कर दोगे आप? आप यही चाहते हो ना? कर दो. Investment confirmed. आपको दिख तो नहीं रहा? ये कितना है? She can tell. Don't worry. Actually, उन्होंने cotton लगाया हुआ है, तो बिल्कुल कुछ दिखने का scope नहीं है. Sharks, are you comfortable with them? Yes. Yes, sir. Okay, so Shark Tank team ने इस fish bowl के अंदर कुछ items रखे हैं. अच्छा. So they'll identify the items with a scientific magic, which I'll tell you what it is. Okay, start, Mahek. Okay, check. You can take the item. Otherwise. ये यस मैक। ओके, सो ये प्लास्टिक का कुछ है एंड ग्रीन कलर का है ये। इधर से कमाल है। अरे वाह। यस चेक। रेड कलर की थ्रेड है। ओके, और आपने देखा चेक ने अपने सिर्फ सिर पे रब किया उसको। शी डिडंट इवन टेक टू द नोज। ओके, ब्लू कलर का ग्लू स्टिक है एंड यहाँ पे ऊपर येलो कैप है ग्लू स्टिक का एंड यहाँ पे भी येलो है। कमाल है यार, कमाल है भाई। क्या कर रहे हो तुम? यस चेक। पिंक कलर का कार्ड है। ओके, ये आपने वो बादशाह पिक्चर देखी है? उसके वो चश्मे होते थे, वो सब देख लेता था। वैसा कुछ लग रहा है भाई। जादू टोना चल रहा है। चमत्कार। ओके, ये रेड रिबन है एक। यस। ब्लैक एंड रेड कलर का बॉक्स है। ओके, तो आप नहीं बता पाते हो तो क्या पिटाई होती है? ऐसा भी हुआ ही नहीं कि ये नहीं बता पाए। ओके शार्क्स, आई एम श्योर कि आपको थोड़ा सा कुछ लग रहा है ये कैसे। कैन आई रिक्वेस्ट यू टू गिव योर बिलोंगिंग्स, एनीथिंग यू हैव, सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई दैट आल्सो। ये मुश्किल चीज है यार। आप नहीं। एक काम करो, अमन को ही डाल दो उसके अंदर। थैंक यू, थैंक यू। गोली पड़ी है। थैंक यू, थैंक यू सर। वाओ, क्या बात है, ये तो मतलब सही मिल गई है। आप देखो, इन्वेस्टमेंट लेने आए थे, मिल गए आपको इन्वेस्टमेंट। हाँ, मैं एक-एक पहले आइटम पकड़ाता हूँ। ओके। यस मैक। दिस इज कॉफ सिल्स का, लाइक गला खराब होने के जो खाते हैं। जी। बहुत ब्रिलियंट। सो ये पिंक कलर का रोज है। करेक्ट। ओके। ओह माय गॉड। ओके, ये चेक आप पकड़ो। ये आप नहीं गेस कर पाए। यस चेक। व्हाइट कलर के वायरलेस ईयरफोन्स। ओके। यस मैक। तो ये स्टीविया के दो अलग-अलग है, एक सैशे स्टीविया का और एक स्टीविया की बॉक्स है। वेल डन, गुड। इनको ये नाम भी पता रह गया। वाओ, ये क्या हो रहा है भाई? ₹500 का नोट है। ओह माय गॉड। सीरियल नंबर पढ़ सकते हो उसका? सीरियल नंबर पढ़ दो। हाँ? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं हो पाएगा। अगर ये हो गया तो मैं जा रहा हूँ। कहाँ चुल्लू भर पानी में डूबने। हाँ, नहीं हो पाएगा ये। 87। ओके। 8784। ओके। 8784 07 8784 07 she said. समझने के लिए कि आपने कैसे किया यार। जादू टोना, टीविया वाला तो बहुत जादू है, ये चमत्कार है। थैंक यू, थैंक यू। शार्क से बिल्कुल जादू नहीं है,
ये एक साइंटिफिक टेक्निक है, जैपनीज टेक्निक है, जिसे कि ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन बोला था। महक चहक, फैबुलस जॉब, थैंक यू मैम, बहुत इंप्रेसिव है आप दोनों। आप जाने से पहले मेरा एक सवाल है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग को स्पेसिफिकली क्या क्या फायदा हुआ है, okay. मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। स्टडीज में काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया है मेरे लिए। एंड एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, व्हेन आई वाज हर एज मेरा आर्ट जो था इट वाज वेरी बैड, इट वाज पैथेटिक। मेरे को आर्ट बनाने में बहुत मज़ा आता था, पर देख के रोना आ जाता था कि क्या बनाया है मैंने। मेरा भी यही हाल है। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज एन आर्टिस्ट, तो मैं कमीशन बेसिस पे पेंटिंग्स वगैरह बनाती हूँ। वाओ, दैट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस। यस। और आपको क्या बेनिफिट हुई? कंसंट्रेशन में मेरा हुआ, मैं लाइक पढ़ नहीं पाती थी बैठ के, लाइक बार बार डिस्ट्रैक्ट होती थी, बट ये मेमोरी वाला जो है वो यूज करके अब हो जाते हैं। थैंक यू, वेरी वेल डन गर्ल, वेरी प्राउड ऑफ यू। तो शक, आपने जो भी डेमो देखा, विश्वास हो रहा है? नहीं हो रहा ना? नहीं यार, ये बिल्कुल जादू नहीं है, इट्स अ जापानी साइंटिफिक टेक्निक जिसका नाम है ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन। और हमारी जो कंपनी है हेड एंड हार्ट, ये यही टेक्निक की ट्रेनिंग्स करवाती है। 5,000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हम ट्रेन कर चुके हैं कोविड से पहले ऑफलाइन ट्रेनिंग में, और कोविड के दौरान 27 अप्रैल 2020 को हमने पहला अपना ऑनलाइन सेशन स्टार्ट कर दिया था आफ्टर रिसर्च ऑन ऑनलाइन। और 1100 बच्चे 7 कंट्रीज से हमें ऑनलाइन से आए बिना कोई स्पेशल मार्केटिंग किए। वाओ, अभी तक शॉक में हम। समझ नहीं आ रहा यार, आपने ये प्रोडक्ट के बारे में कैसे सोचा, मतलब आइडिया आपको कहाँ से आया? आई वॉज इन कॉर्पोरेट फॉर 23 years। मैंने ये एक्चुअली मलेशिया में फर्स्ट टाइम देखा था, एक सेमिनार हो रहा था, उस सेमिनार में ये प्रोग्राम जब मैंने देखा तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ। राजविंदर एजुकेशनिस्ट है तो मैंने इनसे डिस्कस किया, मैंने कहा बच्चों को ये कराना ही कराना है। उन्होंने बोला कि आप हमें क्यों वहाँ ले जाके जाना चाहते हो एक महीने के लिए, आप ट्रेनर को यहाँ बुला लो और भी बच्चों का फायदा हो जाएगा, बच्चों को ट्रेनिंग यहाँ करा देंगे। तो हमने अपना पहला पायलट किया था दिल्ली के अंदर 2014 में, वहाँ पर हमने 15 बच्चों का ये बैच किया था और उसके बाद अमेजिंग रिजल्ट थे। तो राजविंदर ने बोला, वैसे आप हमेशा बोलते रहते हो कि कब तक नौकरी करूँगा, अपना खुद का कुछ करना है, दिस इज़ अ गुड प्रोजेक्ट, आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम क्यों नहीं करते हो? वाओ, अब मैं समझ गया कि एक टेक्निक है, कुछ कंट्री में चल रही है, आपने उसको अपने बच्चों पर लगा दिया, बट इसमें टैंजिबल आउटकम क्या है? हम जिम जाने की बात करते हैं, प्रोटीन डाइट खाने की बात करते हैं, मसल स्टोन करने की बात करते हैं, पर ब्रेन की कैपेबिलिटी को कैसे इन्हेंस करें, उससे परफॉर्मेंस कैसे इन्हेंस हो, वो हम सोचते नहीं हैं। राइट, तो ये जो प्रोग्राम है ये ब्रेन की कैपेबिलिटीज को भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, बहुत एक्साइटेड हूँ, हिमाचल एजुकेशन बोर्ड ने हमारा करिकुलम ऑलरेडी अप्रूव कर दिया, उसका नोटिफिकेशन है हमारे पास, जिसमें ये क्लास 9 to 12 एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट अप्रूव हो चुका है। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। बट मेरे को ये बताओ, पैसे कैसे बनाएंगे इससे? हाँ, देखिए, जैसे हमने ऑलरेडी फ्रेंचाइजीज मॉडल को लॉन्च किया, तो मैं 5 लाख रुपए लेता था फ्रेंचाइजी को अपॉइंट करने के लिए, और ट्रेनर को ट्रेन करने के बाद 30% रॉयल्टी मेरे पास आती थी। तो एक साल का रेवेन्यू कितना है? तो लगभग लास्ट ईयर हमने 30 लाख रुपीज का रेवेन्यू किया। गुरु नंदन जी, मेरे को इसमें एक चीज समझ नहीं आई, स्कूलिंग का एक बिजनेस है, आप जो चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसके लिए कोई क्यों पैसे देगा? मैं ये कोई कोर्स तो है नहीं? बिल्कुल कोर्स है सर, इसी पे आ रहा हूँ मैं, इसी पे आ रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, हिमाचल एजुकेशन बोर्ड ने अगर इसको अप्रूव किया तो उसके अंदर कोई मेरिट देखा होगा, तो उसके अंदर कोई मेरिट है, उन्होंने टेंजिबल देखा है। अब मेरे को बताइए, ये तो कोर्स में आ गया हिमाचल के में, बिल्कुल, तो आपको कोई क्यों पैसे देगा? स्कूल भेजूंगा, वहाँ पे पढ़ लेंगे बच्चे। सर, वो स्कूल को कौन इस कोर्स को चलाएगा, कौन इस कोर्स को हम चलाएंगे? आप कह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट स्कूल का कोर्स आप चलाएंगे? हाँ, यही तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पहली बार सुन रहा हूँ ऐसा। यही तो नोटिफिकेशन है सर, आपको मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन, अगर आप इतनी क्वालिटी फोकस करोगे, अच्छे से पढ़ाओगे, मैं रट लूंगा, मैं भी अच्छा स्टूडेंट हूँ, और मैंने बायजूस में जाके सेम चीज शुरू कर दी, तो डिफेंसिबिलिटी नहीं है? हाँ, अगर सीखेंगे, अगर मैं आपको ट्रेन करूंगा तो कोई भी कर सकता है, बट जो क्वालिटी सिस्टम प्रोसेसेस के मैं बात कर रहा हूँ वो बायजूस से अच्छी है, वो आपकी बायजूस और ये अपग्रेड और इन सब से अच्छी है हमारे इस फील्ड में। आई एम 100% कॉन्फिडेंट। आपने बायजूस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर डूइंग। बायजूस इज फोकसिंग ऑन देयर ट्यूटोरियल्स, नॉट येट बायजूस या अपग्रेड इज नॉट फोकसिंग येट, बट बाद में फोकस कर सकते हैं मेबी, अगर ये बढ़ गया तो। कंपटीशन के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूं। सो गुरुनंदन जी, मैं इसको थोड़ा इजी कर देता हूं। हां जी, आपसे बातों में कोई नहीं जीत पाएगा यहां पे। अरे सर, मैं आपको सीधी बात बोल रहा हूं। अरे सर, तो मेरे को इसमें कुछ टैंजिबल नहीं लग रहा है, मेरे को थोड़ा गिमिकी लग रहा है, ये एक मैजिक ट्रिक की परफॉर्मेंस मेरे को निकल के आ रही है। नहीं सर, ऐसा मेरे को नहीं, आपकी कोई रिसर्च ड्रिवन एनहांसमेंट इन कैपेबिलिटी कुछ निकल के नहीं आ रही, तो मैं इससे बाहर हूँ।
देखिए मैंने मैंने अपना फैसला बना लिया तो मैं आपको बता देता हूँ। आप ऑनलाइन में इसको कैसे डिफेंड करेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपेटिटिव स्पेस बहुत है और हजारों करोड़ लग जाएंगे। तो इसलिए आई एम सॉरी बट मुझे आउट होना पड़ेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और मेरा भी यही व्यू है कि मेरे को जो प्रॉब्लम्स शुरू से ही लग रही है वो यही लग रही है, मैं ट्रेन द ट्रेनर करके ट्रेनर कैन स्टार्ट बिकमिंग द नेक्स्ट ट्रेनर, यही मेरे को प्रॉब्लम है और इसी के चक्कर में आई एम आउट। मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि आप एडटेक के बदले कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में अगर ज्यादा फोकस करें, और जो हम सब पूछ रहे हैं कि शो अस द रिजल्ट्स, बिजनेस दिखाइए, वो कॉर्पोरेट से आपको इमीडिएट आएगा। बिकॉज एडटेक में क्या होता है कि फ्रॉम द टाइम यू ट्रेन अ किड टिल यू सी द रिजल्ट्स वो 12 साल का प्रोजेक्ट हो गया है। कॉर्पोरेट में आपने आज किया, 3-4 महीने में आपको मेजरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। So that's my feedback, but from an investment perspective, I'm out. Okay. Manjit ji, main bhi out hoon. As of now, wo clarity of the online business nahi hai. Thank you, thank you so much. Thank you so much.